भाई साहब देखो जरा पहुंचे कहाँ हैं ये आप ग्रे डॉट देख रहे हो। यहाँ पे बस गर्म पानी पी सकते हो भाई। ये वाला इंक्लाइन है जो रात को ये चढ़ के आई है और कितने इंक्लाइन ये करके आई है देखो भाई, उबड़ खाबड़ है इंक्लाइन ये। और उससे डांस क्या नॉर्मली ये ऑलमोस्ट लाइक कितना हो गया, 30% 40% हो गया, कितना हो गया इंक्लाइन ये 40% है। नॉर्मली क्या होता है लोगों की ना, यहाँ टच हो जाती है, यहाँ पे आके यहाँ आ जाते हैं, फोर्टी डिग्री है भाई, इसका आगे का कुछ ना लगा। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम फ्रॉम तवांग। यस वेलकम फ्रॉम तमांग, फिर से वेलकम फ्रॉम तवांग। आज हम जा रहे हैं बुमला पास एंड माधुरी लेक, जहाँ के लिए हमने एक टूरिस्ट व्हीकल बुक करी है बिकॉज अपनी प्राइवेट कार्स आप लेके नहीं जा सकते हैं वहाँ पे। सो अभी हम करेंगे नाश्ता, गर्म पानी पी रहे हैं यार, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है ठंड के चक्कर में। हाँ मैं तो बैंगलोर के आ जाता है पानी यहाँ पे तो यार डिहाइड्रेशन हो रही है और ठंड में ना पता नहीं चलता डिहाइड्रेशन हो रही है, आंखें जलना शुरू हो जाती है। हाँ। अगर आप डिहाइड्रेशन होती है ना आपकी आंखें जलेंगी, दैट इज अ सिम्टम दैट आप पानी कम पी रहे हो। जब हम लोग अब्रॉड जाते हैं तो ज्यादा पता चलता है क्योंकि वहाँ मुझे ठंडी होती है, हम लोग यहाँ के हिसाब से पानी पी रहे होते हैं। भाई साहब धुंध तो बहुत ही ज्यादा है यार, डेंस फॉग है, बट ठंड नहीं है ज्यादा, ठंड नहीं है अभी। वहां खड़ी है अपनी गोली। गौरव बता तो दो क्या कह रहे थे कल आप? अकेली सेडान कार जो पूरे रास्ते चल के आई है, पूरे तवांग बोल रही हूँ, पूरे अरुणाचल में एक अकेली हमारी गोली है सेडान होंडा सिटी जो कि यहाँ पे चल रही है, घूम रही है। कोई कोई आपको नहीं दिखेगी भाई यहाँ पे सेडान, कोई आसपास में दिख ही नहीं रहा था भैया भी हैरान था देख के। पता है मजे आते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस सुन के, देख के लोगों के रिएक्शंस देख के ना, मतलब ये चीज़ें ना लाइफ टाइम वाली है, ये मेमोरीज हमारे साथ हमेशा रहेंगी। अब हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। ले लद्दाख में तो बहुत सारी थीम दिखी थी हमें सेडान भी। हाँ ले थी, मतलब वहाँ पे ऑडी थी, बीएमडब्ल्यू थी, वरना थी। एक्चुअली क्या है ना, दिल्ली वाले ले आते हैं दिल्ली, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो दिल्ली की गाड़ियाँ होती है ना लोग ले आते हैं, यहाँ तक दिल्ली वाला चलाने की हिम्मत नहीं करता नॉर्मली। रूट अच्छे नहीं है यार, रोड कंडीशन इतनी नहीं है ना कि आप यहाँ पे ले आओ उसको। और यहाँ पे बारिश हुई है भाई, हमें बोला गया है कि आप अपने अच्छे खासे गर्म कपड़े, हैवी कपड़े वहाँ पे पहन के जाएं बुमला पास, नहीं तो आप फ्रीज्ड आउट हो जाएंगे। ये हमारे रूम का कॉरिडोर है, रूम तो कल दिखाई दिया था, कोजी कोजी, अभी तो सारा मैस हुआ पड़ा है। हमारी आज की राइड है ज़ाइलो, ज़ाइलो है ना भैया? जी हाँ। कितनी देर में पहुंचेंगे हम लोग बुमला पास? 1.5 घंटे। ओके, और वहाँ के परमिशन के लिए क्या होता है? जी हाँ, परमिशन वगैरह आप लेते होंगे ना कुछ? हाँ मैं भी, पास है आपके पास, ये पास। रात को भी इसी रोड से लाए थे सही बात है, रात को इसी रोड से आए थे हम लोग। और ये है टूरिस्ट परमिट भाई, यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स नहीं जा सकती है, तीन लोग जा रहे हैं, वी हैव डन अ प्राइवेट ज़ाइलो। ठीक है सर, ये उधर में आप लोग कुछ तो नहीं बोलेंगे ना सर? ये वाटर कार्ड में कुछ नहीं बोलेंगे ना? आपसे उधर में जाएगा? नहीं होता।
सिविलियन अगर कोई मिलिट्री वाला बनना चाहे तो उसको कितना डिफिकल्ट होता है, टाइमिंग डिफिकल्ट यहाँ पे रहना कितना डिफिकल्ट, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो बोले है ना सही बात है। हम यहाँ पे जो आते हैं ना साहब, टर्नओवर हमारे 33 इयर्स के लिए हम आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद हम डाउन जाते हैं। हमारा टर्नओवर रहता है, टर्नओवर हमारा लड़ाई के हालात सिचुएशन के लिए हम बीच में हम ट्रेनिंग करते हैं इंडिया में। हम चाइना से मुकाबला करते हैं, नीचे करते हैं। आपका कभी हुआ चाइना से? हाँ, चाइना से हुआ आपका? अभी तो नहीं हुआ, 96 में हम यहाँ पे ड्रॉप आया था। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी पूना और लेक, मधुरी लेक, मधुर लेक, मधुर लेक, मधुरी दीक्षित हम जिस समय आई थी ना उस समय हम राड में था। अच्छा, बढ़िया यार। शाहरुख खान, मधुरी दीक्षित उस समय आई थी। महेश्वरी नीचे जा रहे हो? उससे हम पीछे उतर जाएंगे। अच्छा, शांति काल में आप ट्रेनिंग के लिए नीचे जाते हैं, लड़ाई के हालात में हम अप्रिय मानते हैं। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए भैया बड़ा डिफिकल्ट ये है, वेदर इतना डिफिकल्ट है। हमारे भगाते चल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम मैनूवरिंग वगैरह सब परफेक्ट। यहाँ से 0 लाइन स्टार्ट हो जाती है और बर्फ देखो यार। अरे भाई बाहर ना आ जाए बस। शुक्र करो मेरे को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो जो लेडीज होती है वो वॉमिटिंग की कर करके पागल हो जाती। अरे ये देखो स्नेक रूट्स दिख रहे हैं, हाँ फुल स्नो है। बातें करके बहुत पता चला कुछ। थैंक यू ओके भैया, ओके थैंक यू।
बीच में लेक है, फ्रोजन लेक है, फ्रोजन लेक है पूरी पहाड़ों के बीच में। उतना ही ट्रेचरस भी है। अच्छा है यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स नहीं आती। हाँ सही बात है। वैली देखो यार, क्या सुंदर वैली है, वाह। पूरा पैराडाइज है, होते थे हिल्स के बीच में से पानी निकलता है यार, लिटरली जो बचपन में ड्राइंग बनाया करते थे। खैर ये स्नो वाली है, ओ माय गॉड, ओ फ्रोजन लेक, दिस इज टोटली फ्रोजन मैन। पे ना ये लगवा दो यार, प्लास्टिक फ्री जोन। फाइन होना चाहिए प्लास्टिक अगर डाले तो। वाओ, ओ माय गॉड, लेक यहाँ से दिख रही है। ऐसी सीनरी तो लेह लद्दाख में भी नहीं दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। फोटो खिंचवाएंगे, बहुत सुंदर है लेह लद्दाख। इसके सामने लेह लद्दाख का डिफरेंट है। बहुत सुंदर लग रहा है यार, फ्रोजन लेक है नीचे और लेक के पीछे लेक है जो अभी आपको दिखाई। ऑसम व्यू, वो देखो पीछे पहाड़ और उनके ऊपर बादल ही नाच रहे हैं यार। मस्त। और ये देख के समझ लो भाई, ऑफ सीजन में आई मीन मार्च अप्रैल में इतनी स्नो है यहाँ पे, तो एक्चुअल जो स्नो का सीजन होता होगा तब क्या होता होगा यहाँ पे। एक और लेक यहाँ पे, तो लेक ही लेक मिलेगी आपको, वो भी फ्रोजन है, हाफ फ्रोजन, और उसके ऊपर से बादल निकल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। लुक एट दैट, वाओ। ऊपर से धूप आ गई ना, और अच्छी लग रही है। सुपर, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और दिस इज अ नो ड्रोन फ्लाइंग जोन। धूप आ गई है तो धूप तो और अच्छी लग रही है। ऑसम, दोनों साइड पे बर्फ है यार, बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे। ड्राइव तो खैर हम नहीं कर पा रहे, भैया ड्राइव कर रहे हैं बट हम मजे ले रहे हैं। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है जो कि पहले चाइना के रीजन में था,
अब इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया। भैया नाम क्या हॉट स्प्रिंग का? दम टिंग है। अभी हम वहाँ नहीं जा सकते बिकॉज वहाँ का रोड बहुत ज़्यादा खराब है, कच्ची रोड है पूरी। अदरवाइज इस सीजन में वो ओपन होता है टूरिस्ट के लिए। हॉट स्प्रिंग है वो, दैट इज होली हॉट स्प्रिंग एक्चुअली। होली वाटर तक लेके जा सकते हैं, जीरो लाइन तक ले जा सकते हैं। गौरव कैसा लग रहा है? मस्त, मजे आ रहे हैं। बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा यार यहाँ पे, ये होती है नेचुरल ब्यूटी। जहाँ जा रहे हो प्लीज प्लास्टिक की बॉटल्स और रैपर्स मत फैलाओ यार, नेचुरल रहने दो उस जगह को, गंद मत फैलाओ, डस्टबिन मत बनाओ। आई एम सॉरी, हो सकता है ये वीडियो एक घंटा लंबा हो जाए। आई थिंक हम ये वीडियो यही खत्म करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको ये वाली जर्नी कैसी लग रही है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड या इससे नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। बाय, वेलकम टू द चैनल फ्रॉम बुमला पास रिपोर्टिंग लाइव। गौरव हम कहाँ जा रहे हैं? अभी एंट्री करा रहे हैं। अभी हम एंट्री करा रहे हैं।